नमस्कार। सबसे बड़ा मुद्दा मैं आपके साथ, मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। निकाय चुनाव को लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल मानते हुए बीजेपी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतर गई है। लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत के लक्ष्य को लेकर बीजेपी नगर निकाय चुनाव में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। नगर निकाय चुनाव में सभी 17 नगर निगम और 200 नगर पालिका परिषदों के साथ ज्यादातर नगर पंचायतों में भगवा फहराने का बीजेपी ने लक्ष्य रखा है। और इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, प्रदेश के प्रभारी राधामोहन सिंह और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह ने कई मीटिंग्स भी की। लखनऊ में बीजेपी ऑफिस में तमाम दिग्गज रणनीति बनाते हुए नजर आए। पार्टी के जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों और निकाय चुनाव के संयोजकों के साथ कई दौर की मीटिंग भी हो चुकी है। बैठकें करके चुनाव का रोडमैप तैयार किया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ सर संचालक मोहन भागवत खुद कानपुर के दौरे पर हैं। अनुसूचित और पिछड़े तबके को जागरूक करने के लिए संघ के विस्तार की योजना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बनाई है और पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है। जाहिर है कि इसका फायदा सीधे तौर पर बीजेपी को 2024 में मिलेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि 24 से लड़ाई से पहले सत्ता का क्या ये सेमीफाइनल है, शहर का रण बीजेपी के विजय का क्या ये प्रण है और 24 की तैयारी क्या नगर निकाय के चुनाव में भी दिखेगी। बीजेपी की रणनीति ने क्या विरोधियों को पस कर दिया और प्रदेश में आरएसएस की बैठकें क्या 24 के लिए बीजेपी का भी रोडमैप तय करेंगी। इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखें। नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी कमर कस चुकी है। लखनऊ में महामंथन कर रणनीति तैयार कर ली गई है। पिछली बार हारी सीटों को जीतने का फुल प्रूफ प्लान तैयार हो चुका है। बीजेपी के लिए एक बार फिर कार्यकर्ता खेवन हार बनेंगे और चुनाव की अधिसूचना जारी होने तक जो जो काम हमें संगठनात्मक और राजनीतिक करने हैं उन कामों की कार्य योजना हम लोगों को बनाई है हम लोगों ने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा अपने कार्यकर्ताओं को काम देकर उनकी सक्रियता और मेहनत पर चुनाव लड़ती है। बीजेपी निकाय चुनाव को बेस बनाकर 2024 की तैयारी कर रही है। लखनऊ की बैठक में बीजेपी ने जो प्लान बनाया है उससे ये साफ हो गया है कि निकाय चुनाव की तैयारी है और 2024 चुनाव पर नजर है। कि नगर निकाय में कमल खिले या संकल्प है और इस संकल्प में सफल बनाने की कार्य योजना तैयार होगी। निकाय चुनाव के रण के लिए बीजेपी ने अपने नेताओं और मंत्रियों को भी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। नगर निकाय चुनाव के रण में जिन प्रमुख धुरंधरों को बीजेपी ने मैदान में उतारा उनमें डिप्टी सीएम बृजेश पाठक को आगरा, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को वाराणसी, मंत्री असीम अरुण को सहारनपुर, मंत्री धर्मपाल सैनी को फिरोजाबाद और मंत्री सुरेश खन्ना को लखनऊ का प्रभारी बनाया है। बीजेपी जहां रणनीति तैयार कर रही है वहीं निकाय चुनाव में निषाद पार्टी भी ताल ठोकती नजर आ रही है। पार्टी ने उम्मीद जताई है कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका निभाएगी और निषाद पार्टी का ख्याल जरूर रखेगी। और भारतीय जनता पार्टी बड़ी भाई है और सम्मान करती है और जो भी उसके साथ रहता है, और देखे होंगे कि गठबंधन धर्म निभाने में सबसे अच्छी भूमिका भारतीय जनता पार्टी की। बीजेपी की तैयारी बूथ लेवल तक चल रही है ताकि 2024 के रण में पूरे दमखम के साथ उतरा जा सके। उधर बीजेपी के मातृ संगठन आरएसएस की गतिविधियां लगातार प्रदेश में चल रही है जिसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को ही होगा। कानपुर में ऐसा आयोजन पहली बार किया जा रहा है जिसमें पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों से लोगों को आमंत्रित किया गया है, जिसमें प्रदेश सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, विश्वविद्यालय के कुलपति, आईआईटी के प्रोफेसर भी शामिल होंगे। इसका सीधा फायदा उसके पॉलिटिकल विंग बीजेपी को ही होगा। मोहन भागवत के दो प्रमुख कार्यक्रम हैं जिसमें कल वाल्मीकि समाज द्वारा किया जा रहा कार्यक्रम प्रमुख माना जा रहा है जिसमें वह वाल्मीकि समाज के लोगों को संबोधित करेंगे। उसके बाद 10 तारीख को उनका एक कार्यक्रम स्वर संगम घोष है जिसमें वह लोगों से मिलकर वहां पे भी संबोधन करेंगे। शहरी वोटर अमूमन बीजेपी का पारंपरिक वोटर माना जाता है। 2017 में बीजेपी ने सपा को शून्य पर समेट दिया था। ऐसे में बड़ा सवाल यही, क्या बीजेपी पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी। कानपुर से दीप त्रिवेदी के साथ लखनऊ से अविनाश सिंह, टीम न्यूज स्टेट। तो क्या निकाय चुनाव के रण से 24 की तस्वीर भी साफ हो जाएगी, इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हैं। उनका तारुफ आपसे करा दें। गीता भट्ट जी राजनीतिक विश्लेषक, एनके सिंह सर वरिष्ठ पत्रकार और हरीश चंद्र श्रीवास्तव जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, शशांक यादव जी पूर्व एमएलसी समाजवादी पार्टी के, आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। एनके सर, पहला सवाल आपसे ही कि जो निकाय चुनाव है वो किस लिहाज से अहम है
और खास करके बीजेपी ने जो 2017 में प्रदर्शन किया था एसपी शून्य तक सीमित रही थी, इस बार क्या चैलेंजेस होंगे बीजेपी के लिए और 24 के लिहाज से चुनाव कितना अहम होगा? देखिए दो तीन चीजें बहुत साफ हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए थे, उसमें चीजें बहुत ही पॉजिटिव रही बीजेपी के लिए, लेकिन आप एक अलग पार्टी देखते हैं। बीजेपी नेवर से डाई वाली स्पिरिट से काम करती है, लिहाजा वो कहीं से भी कॉम्प्लेसेंट नहीं हुई, मतलब आत्ममुग्ध नहीं हो गई है कि नहीं साहब अभी अभी हमने यूपी का चुनाव जीता है इसलिए हम लोग कोई चिंता की बात नहीं है। आप देखें तो डे वन से ही फिर से ये चुनाव के मोड में आ गए हैं और मल्टी लेयर फंक्शनरीज होते हैं ये चुनाव मशीनरी जो होती है, जिसमें कि कहा जाता है सिस्टमेटिक इलेक्शनियरिंग, उसमें आप देखें तो बहुआयामी मल्टी लेयर बहुत सारे तय है जिसमें कि फंक्शनरीज है, वो शहर के लेवल पे है, ब्लॉक के लेवल पे है, माफ कीजिएगा कॉरपोरेशन के लेवल पे है, और वो जो ब्लॉक ये होते हैं आपके जो वार्ड्स होते हैं वार्ड्स के लेवल पे है, और ये सारे फंक्शनरीज हैं जो कमिटेड पार्टी फंक्शनरीज हैं, पार्टी वर्कर्स हैं, लिहाजा इसमें नेता नहीं होता, अनलाइक जो दूसरी पार्टीज होती हैं उसमें जैसे ही उसको आप काम दीजिए तो वो नेता पहले हो जाता है कार्यकर्ता बाद में होता है जी। ये अंतर है बीजेपी के चरित्र में कि वो कार्यकर्ता का कमिटमेंट जो है उसको एक फंक्शनरी के रूप में यूज करती है न कि नेता के रूप में। नेता एक ही है, वो है नरेंद्र मोदी, नेता एक ही है वो है आदित्यनाथ योगी, तो इसलिए उसमें क्लियर कॉन्सेप्ट है। दूसरा ये है कि चुनाव किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए पहली शर्त होती है, तो अगर बीजेपी करती है तो इसमें अनैतिक कुछ भी नहीं है, अगर वो इलेक्शन बोर्ड में परमानेंटली रहती है तो इसमें गलत क्या है, हर पार्टी को रहना चाहिए। अब दिक्कत क्या हो रही है, समाजवादी पार्टी या जो अन्य पार्टियां हैं अनफॉर्चुनेटली इनका जो कैडर स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह मुकम्मल नहीं है, वो ओकेजन स्पेसिफिक होता है, एक काम के लिए आया, जैसे अखिलेश यादव अगर किस शहर में आ गए तो उसका कैडर गैल्वेनाइज होगा दो तीन दिन के लिए, फिर वो सुस्त बैठ जाएगा जी, ये उनकी प्रॉब्लम। दूसरा है आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट, आइडियोलॉजी इस तरह का स्ट्रांग नहीं दिया है जिससे कि वो प्रतिबद्धता बनी रहे, ये कांग्रेस के साथ भी दिक्कत है, बहुजन समाज पार्टी के साथ भी है और सपा के साथ भी है कि कमिटेड कैडर को वो लगातार खो रहे हैं, डेवलप नहीं कर रहे हैं, लिहाजा बीजेपी को वो हमेशा एडवांटेज मिल जाता है, और यही आप देखेंगे कि हो सकता है एक जो इलेक्टोरल फटीग होता है थकान होती है उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन इसके अलावा जिस सिस्टमेटिक तरीके से बीजेपी अपना चुनाव ऑर्गेनाइज करती है वो अच्छा, ये ध्यान रखिएगा कि ये डायरेक्ट चुनाव होते हैं और इस समय जो ये चुनाव होंगे ये 2024 के लिए एक रिफ्लेक्शन होंगे अर्बन वोटर के लिए, लिहाजा बीजेपी उसी शिद्दत से लड़ रही है जिस शिद्दत से उससे अपेक्षा की जाती है, और जिसको जितना हम लोग पॉलिटिकल एनालिसिस कर सकते हैं हम जानते हैं कि वो उसी शिद्दत से लड़ेगी, अन्य पार्टियां पीछे हो जाएंगी, ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है। बड़ा सवाल है शशांक जी की, समाजवादी पार्टी पिछली बार कुछ बहुत बेहतर आंकड़ा नहीं ला पाई थी और लगातार ये देखा गया कि 2017 से जब से बीजेपी सत्ता में आई है समाजवादी पार्टी उस तरह से चुनौती नहीं दे पाई है, 2022 के चुनाव को अगर छोड़ दिया जाए वोटिंग परसेंटेज आपका थोड़ा बेहतर हुआ है, सीटों का जो आंकड़ा था वो 3 अंकों तक पहुंच गया है, लेकिन फिर वही सवाल है कि जिस शहरी वोटर में बीजेपी की पैठ बहुत ज्यादा बेहतर है वहां समाजवादी पार्टी कैसे करिश्मा कर पाएगी, और बीजेपी की इलेक्शन मैकेनिज्म की बात की जाए, इलेक्शन मशीनरी की बात की जाए, उससे कैसे आप लोग लोहा लेने वाले? सिंह साहब ने बहुत सही बात कही है, अभी ये जितनी भी समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, ये सब पार्टियां आंदोलनों से निकली पार्टी है, कैडर का कंसेप्ट बहुत बात का है और कैडर कंसेप्ट केवल ये देख के हो रहा है, अदरवाइज एक आंदोलनों के एक जनता में गुस्सा आता था, जनता इकट्ठा होती थी, एक सरकार के खिलाफ रिजेंटमेंट होता था और हम लोग अपनी बात कहते थे हो जाता, लेकिन अब चुनाव उतर के आ गया है, बीजेपी के धनबल कह लीजिए, ताकत कह लीजिए, और कैडर का जो दरअसल बीजेपी क्या बात तो आरएसएस की है, आरएसएस का एक पॉलिटिकल विंग है, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क है आरएसएस का, लेकिन चीजें बदल रही है और चीजें इसलिए बदल रही है कि लगातार जनता में, पहले तो मैं क्लियर कर दूं जो आपने एक बात कही कि नगर पालिका ये म्युनिसिपैलिटी के चुनावों में सपा कुछ खास नहीं कर पाई, तो
आप केवल बात अपने को सीमित किए हुए हैं ठीक है, आप निगम से आप लोकल लेवल पर आ जाएंगे, लोकल बॉडीज पर आ जाएंगे, वो आंकड़ा लेके सर ओवरऑल रिफ्लेक्शन देखिए उसकी बात में कर रहा था। केवल ओवरऑल रिफ्लेक्शन मेगा सिटीज से नहीं होता है, सिटीज से केवल 14 या 15 नगर निगम है, 17 है जिसमें से पिछली बार 16 थे और 2 बीएसपी को गए थे, 14 बीजेपी को गए थे। चलिए ठीक है, आंकड़ों पर बात नहीं करते, कुछ आंकड़े आपके मुफीद हो सकते हैं, कुछ खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन बात जो विचारधारा की है, इलेक्शन मैकेनिज्म की जो बात आप खुद कर रहे थे उसको कंप्लीट करिए। आप शुरू से देख लें, आज की बात नहीं है, पिछले 30-40-50 सालों से आप देख लेंगे बीजेपी का एक शहरी वोट बैंक रहा है और लोकल बॉडीज में सामान्यता शहरी निकाय में ये कामयाब रहे, लेकिन हमारा वोट परसेंटेज कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, शहरी क्षेत्र में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जिन चीजों को हम कंटिन्यूअसली बोल रहे थे, आज आरएसएस को उस पर बोलना पड़ रहा है, आज भागवत साहब को बोलना पड़ रहा है कि जातियों बढ़ व्यवस्था को खत्म करना है, आज 4 दिन पहले उनको बोलना पड़ा कि बेरोजगारी और गरीबी एक बड़ी समस्या है। तो हम लोग तो मूवमेंट के लोग हैं, अपनी बात को लगातार कंटिन्यूअसली कहते रहते हैं, और आज नहीं तो क्योंकि इन सवालों के जवाब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को इलेक्शन मोड पे रहना उसकी मजबूरी है, उसके कैडर को बिजी रखना। शशांक जी, नया मुद्दा क्या होगा? बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, ये सारे मुद्दे हर चुनाव में आपने उठाए, उस पर आपको जनता ने मत नहीं दिया। खत्म हो गए, जो मुद्दा रहता है जब तक उसका हल नहीं होता है वो मुद्दा हमेशा रहता है। क्या बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो जाएगा? क्या मुद्दा रहने भर से आपको उसका लाभ मिल जाएगा? आप निगम चुनाव में बीजेपी को पस्त कर देंगे? सवाल ये है, मुद्दा है या नहीं, इस पर डिबेट ही नहीं है। पहली बात तो हमको आप बीजेपी से इस बात पे कंपेयर मत करिए कि वो इलेक्शन मोड में तो आप भी इलेक्शन मोड में। एक पॉलिटिकल पार्टी का इलेक्शन मोड में रहना जरूरी होता है, लेकिन उससे भी जरूरी ये होता है कि जो जनता की मेन प्रॉब्लम है पहले उनको आप भूल जाएंगे। अगर किसी चीज में आप महंगाई को भूल जाए, आप बेरोजगारी को भूल जाए, मुद्दों से आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं जनता से, सवाल ये है, और नहीं कनेक्ट कर रहे तो वोट नहीं मिल रहा है, सवाल तो ये है ना। नहीं तो क्या मुद्दे बदल देंगे? क्या मुद्दे बदल जाएंगे? क्या वोट अगर नहीं मिल रहा जनता से कनेक्ट करने का तरीका कितना बदल पाएंगे आप? हमारा वोट 11% बढ़ा, 47 से 111 हुए, वो कम हुए। चलिए ठीक है या उनका? हरीशन जी, स्टेक्स आपके दांव पर है, वोट परसेंटेज समाजवादी पार्टी का बढ़ा है, आंकड़ा फिर बेहतर होगा उनको पूरी उम्मीद है, और दांव पर आपका बेहतर आंकड़ा है। देखिए हर जी हर पार्टी की अपनी अपनी रणनीति होती है, समाजवादी पार्टी की अपनी रणनीति हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ लेके चलती है और जन सरोकारों के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम। हमारी प्रतिबद्धता जनता की समृद्धि और खुशहाली, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास, ये संकल्प है। समाजवादी पार्टी और हम में अंतर यह है कि समाजवादी पार्टी जात पात की राजनीति करती है, और ये खुले तौर पे सबको मालूम है, पूरे प्रदेश और देश को मालूम है कि समाजवादी पार्टी की राजनीति का तौर तरीका क्या है, और उनका जो कैडर है या जो उनके पार्टी के नेता और कार्यकर्ता है वो उनका क्या कार्य से। और भारतीय जनता पार्टी में वो बड़े से बड़ा पद पे आसीन हो या छोटा छोटा कार्यकर्ता हो, सभी एक कार्यकर्ता की स्पिरिट में काम करते हैं, जिसको जो जिम्मेदारी दे दी जाती है उसको उसी कार्यकर्ता भाव में उसको जाकर के वहां वो संपादित करते हैं। और संगठन में अनुशासन हमारी एक ताकत है, नेतृत्व ने जो भी दिशा निर्देश दिया, हमारा चाहे प्रदेश का नेतृत्व हो चाहे केंद्र का नेतृत्व हो, जो उसका दिशा निर्देश होता है, जो कार्य योजना होती है, उस पे पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम करता है। और जैसा कि मैंने बताया कि जन सरोकारों की पूरी जवाबदेही हम सुनिश्चित करते हैं, जन प्रतिनिधि चाहे वो सांसद हो चाहे वो विधायक हो चाहे वो स्थानीय निकाय के प्रतिनिधि हो, सहकारिता से हो, सभी का जनता के साथ सतत संवाद और समन्वय एक हमारी कार्यशैली का अंग है और हमारी ताकत। लेकिन हरी जी, एक बड़ा आरोप ये है कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल आप लोग कर लेते हैं, इस वजह से ऐसे चुनाव में आरोप हर बार लगता रहा है। एक बार फिर से वही आरोप शशांक जी ने दोहराया कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल होगा, धनबल का इस्तेमाल होगा, इलेक्शन मशीनरी आप लोग की खुद संगठन के नाते बड़ी है, उन तमाम चीजों का फायदा आप लोग को मिलता है। देखिये, ये एक चलन सी बन गई है और इसको लोग कहते हैं
ये हमारे 19 के चुनाव में भी ये आरोप लगा रहे थे समाजवादी पार्टी के मित्रगण, 22 के भी चुनाव में ये सब आरोप लगा रहे थे, वही फिर जो सवाल शशांक जी अभी कह रहे थे वही सारे आरोप वो 19 के और 22 के भी चुनाव में लगा रहे थे, लेकिन जनता ने हमारे नेतृत्व को, हमारी नीतियों को, हमारे कार्यक्रमों को और हमारे कार्य को सराहा और ताकत देने का काम। ठीक है, मुझे लगता है कि जो स्थानीय निकाय का चुनाव है, ठीक है, ठीक है, पूरे भरोसे के साथ मैं कह सकता हूँ कि जनता भरपूर ताकत। ठीक है, ठीक है, लौटेंगे, हरी जी लौटेंगे। गीता जी, संघ प्रमुख कानपुर पहुंचने वाले हैं और अनुसूचित जातियां जो हैं और पिछड़ा वर्ग जो है उससे भी एक संवाद का जो प्रोसेस है वो हम उसे आगे बढ़ता हुआ देख सकते हैं, इसको लेकर भी वो संवाद करने वाले, मंथन करने वाले हैं। क्या बीजेपी का जो वोटर का बेस है और ज्यादा एक्सपेंड होगा इससे, निकाय चुनाव को लेकर क्या रोडमैप इसमें दिखता है और साथ साथ 24 के लिए क्या रोडमैप आप देखती हैं? सत्संग चार्ज जी का जो पूरा एक कार्यक्रम रहता है जगह पूरे देश भर में उनका प्रवास होता है और वो प्रवास जो है वो कोई चुनावों के आधार पर निर्धारित नहीं होता, उनका जो प्रवास होता है लगभग 1-1.5 साल पहले तय हो जाता है कि वो कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या कार्यक्रम रखेंगे। तो इसको अगर राजनीतिक तौर से अगर देख रहे हैं तो वो शायद उसमें कोई उसका कोई उससे लेना देना नहीं है कि अभी कोई निकाय चुनाव होने वाले। लेकिन मैम, जब विचारधारा को हम आगे बढ़ाते हैं समाज में, गीता जी, जब विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं तो वोटर्स का बेस बढ़ता है, इसी बात का जिक्र एनके सर ने भी किया, जिक्र किया है, तो वो उसका फायदा बीजेपी को नहीं मिलेगा, इसकी उम्मीद कम होगी। देखिए ऐसा होता है कि जितने अनुसांगिक संगठन है बहुत सारे, जो हर कोई राजनीति के क्षेत्र में है, ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में है, छात्र, सभी अनुसांगिक संगठन अपने अपने उनको पूरा अपने हिसाब से निर्णय करते हैं और जो भी आगे जो भी उनकी अपनी प्रणाली होती है उसके हिसाब से काम करते हैं। पर हाँ, कोई भी अगर जो राजनीति में अगर कोई भी अगर संगठन जो राजनीति से जुड़ा हुआ है कार्य कर रहा है उसके लिए तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं और पहली बात होती है कि एक सशक्त नेतृत्व होना चाहिए, दूसरा यह है कि उसका जो संगठनात्मक जो बेस है वो बहुत बढ़िया होना चाहिए और तीसरा ये है कि उसकी जो वैचारिक प्रतिबद्धता है वो होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए, क्योंकि आज 21वीं शताब्दी का जो वोटर है चाहे वो दिल्ली में बैठा है, चाहे वो कहीं उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में बैठा है या उत्तराखंड में कहीं बैठा है, सबके पास टेक्नोलॉजी के माध्यम से सारी सूचनाएं और सब कुछ उनके पास उपलब्ध है। तो आज के समय में आप किसी भी जो कोई नागरिक है जो आपका वोटर भी है उसको आप बरगला नहीं सकते, आप उसको सच्चाई को छुपा नहीं सकते। तो ये जो प्रतिबद्धता दिखाई दे रही है वो अगर आप देखें तो इस समय जो भारतीय जनता पार्टी को देख के लगता है कि उनके पास ये तीनों जो है सशक्त नेतृत्व भी है, संगठनात्मक शक्ति भी और एक वैचारिक प्रतिबद्धता है जो बाकी राजनीतिक दलों में किसकी कमी दिखाई दे। ठीक है एनके सर, जो विचारधारा वाला पोर्शन है उसको लेकर कितना वोट बैंक बढ़ पाता है, संक्षिप्त इसका जवाब, लेकिन साथ साथ जो लाभार्थी वोट बैंक का फायदा हमने 2022 के विधानसभा चुनाव में देखा था, क्या वहां पर बीजेपी के पास ये चुनौती नहीं होगी, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लाभार्थी ज्यादा थे, शहरी वोटर्स में उनकी संख्या ग्रामीण इलाकों की तुलना में थोड़ी सी कम है और पूर्वांचल के जिन इलाकों में एसबीएसपी ने डेंट किया था वहां बीजेपी कैसे टैकल करने की कोशिश करेगी, हालांकि एसबीएसपी और एसपी इस बार अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं जरूर। नहीं, दो बातें बहुत साफ है कि ग्रामीण इलाकों में डिस्ट्रेस जो रूरल डिस्ट्रेस जिसका आपने जिक्र किया है वो अपेक्षाकृत ज्यादा होगा क्योंकि पॉवर्टी लेवल काफी बढ़ा है और जो बेरोजगारी बढ़ी है, और आज ताजुब होगा आपको कि टोटल करीब 45 करोड़ युवा जो शहरों में काम करते थे वो वापस गांव की तरफ चले गए और वो अब शहरों में नहीं आ रहे जॉब लेने। तो ये जो डिस्ट्रेस होगा ये एक बीजेपी को एक कंट्रोल करना मुश्किल होगा, पहला तो ये। दूसरा ये है कि जो दलित के लिए आप देख रहे हैं कि जो गीता जी ने सही कहा है कि सरसंघ चालक की जो यात्राएं होती है वो इलेक्शन से कोटर्बिनस नहीं होती है, उसके साथ नहीं चलती है, लेकिन हाँ आइडियोलॉजिकल फायदा मिलता है और बीजेपी इसको कभी छिपाती भी नहीं है बिल्कुल कि संघ का फायदा हमें मिल रहा है। और जो शशांक जी ने बात कही है वो बिल्कुल सही कही कि उनको ये कैडर स्ट्रक्चर उनके पास नहीं है, लेकिन आंदोलन से निकली पार्टी है, आज अगर बेरोजगारी है और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार के अपने आंकड़े कह रहे हैं और अभी लेटेस्ट आंकड़ा आया है पीएफ उसका एनएसएसओ का, उसमें है कि बेरोजगारी
की स्थिति खराब हुई है। अगर पॉलिटिकल पार्टी इसको उठाती है तो वैलिड रीजन है, लेकिन क्या कैडर में कन्विक्शन की ताकत है, क्या लीडर कन्विंस कर पा रहा है, ये एक मिलियन डॉलर क्वेश्चन है। लेकिन ये बात सही है कि बीजेपी को आइडियोलॉजी का फायदा मिल रहा है, कैडर स्ट्रक्चर का मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है, हम ये तो नहीं मानते हैं कि सरकारी मशीनरी के आने से दुरुपयोग से इलेक्शन जीता जाता है, वरना बीजेपी कभी नहीं हारती और समाजवादी पार्टी भी नहीं हारती। लिहाजा ये तो एक आरोप है पॉलिटिकल लगाया जाता रहा है, इससे चुनाव हारे जीते नहीं जाते। ठीक है शशांक जी, वक्त कम है, एक काडर से कैसे लड़ेंगे, आइडियोलॉजी से कैसे लड़ेंगे, और साथ साथ जो एक्सपेंशन विचारधारा का देख रहे हैं अनुषांगिक संगठनों की तरफ से, उनको कैसे टैकल किया जाएगा। जातियों को बुलाने की बात जब कही जाती है तो साफ तौर पर और जातियों से कनेक्ट करने की कोशिश की जाती है, जो आपने भी की, एक जातियों वाली पार्टियों का गुलदस्ता बनाने की कोशिश की गई थी, कामयाब भले नहीं हुआ लेकिन वो कोशिश हर पार्टियां करती हैं, उसको कैसे टैकल करेंगे आप? बड़ा सीधी सी बात है, राजनीति हमेशा रोजाना के मुद्दों की होती है। आप बीजेपी जो राजनीति कर रही है वो एक आस्था के नाम पर और एक हिंदू राष्ट्र का एक कंसेप्ट देकर जो एक भावनात्मक उद्दीलन वो कर रही है, उसमें वो अभी तक ठीक है। हरीश जी, हिंदू मुसलमान वाला मुद्दा एक बार फिर से आप लोग उठाएंगे, उस तरह से फायदा लेने की कोशिश 10 सेकंड में। हरीश जी, हमारे लिए हम तो सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, सबके साथ सबके विकास की राजनीति, और वही हमारा मुद्दा रहेगा। चलिए ठीक, और सर समाज के लिए हम काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो 24 की सियासी पिक्चर के लिए निकाय चुनाव की जो लड़ाई है बेहद ज्यादा अहम मानी जा रही है, और खास करके उस शहरी वोटर की लड़ाई जिसमें बीजेपी की पैठ मानी गई है, क्या वो पैठ इस बार भी दिखेगी या समाजवादी पार्टी और बाकी दल उसको चैलेंज कर पाएंगे, बड़ा सवाल है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकते हैं, खबरें लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।